तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, कल हम जो वीडियो डाले थे उसमें से इतना एक्सकवेशन हुआ था, इतना पार्ट और इतना बचा हुआ था। तो आज ये और कर रहा है, रात भर में देखिए इतना पानी यहाँ कलेक्ट हो गया है। ये पुअर सॉयल है, इसलिए बगल में नाला है, इसलिए इधर से पानी, इसका पानी का सोर्स अभी इतना वाटर लेवल ऊपर ही है, इसलिए पानी आ रहा है यहाँ पर एक्सकवेशन के लिए। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अभी ये एक्सकवेशन हमारा चल रहा है। एक्सकवेशन में देखिए, अभी ये हम लोग का 3 मीटर डेप्थ है, 3.5 मीटर डेप्थ है। अभी इसको हम लोग मेंटेन करते चल रहे हैं। अभी ये देखिए पूरा एकदम पानी से भरा हुआ है। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सकवेशन कंप्लीट होने के बाद डिवाटरिंग करेंगे, इसलिए थोड़ा सा इधर एक्स्ट्रा एक्सकवेशन किया गया साइड में, ताकि वाटर पंप लगा कर हम लोग पानी निकाल सकें। पानी निकाल देंगे, उसके बाद से यहाँ से पानी आता रहेगा साइड से, वाटर पंप से पानी निकलता रहेगा, ताकि वर्किंग प्लेस बना रहेगा, इजीली काम होता रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, देखिए इधर पूरा ये सारा मिट्टी रखा हुआ है चारों तरफ पूरा। ये सर, ये जो सॉइल हम लोग निकाल रहे हैं, ये बैकफिलिंग में हमारा काम नहीं देगा, क्योंकि ये मिट्टी पूरा मट सॉइल है। तो हम लोगों को इधर मरम लाकर अलग से इसमें डालना पड़ेगा बैकफिलिंग के लिए। तो दोस्तों, देखते रहिए वीडियो, नए नए वीडियो आता रहेगा, और हर एक प्रोसेस वाइज मैं दिखाता रहूँगा। आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, सिविल से रिलेटेड जानकारी हम देते रहेंगे। तो दोस्तों, प्यार और दुलार बना रहे हैं। देखिए इधर मौसम भी अच्छा है, बस यही है, इधर चारों तरफ कुछ नहीं है। इसका सेंटर दूर है, जहाँ हम लोग जाकर खाना वाना खाते हैं, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, देखिए कितनी डिफिकल्टी से हम लोग काम करते हैं। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, पानी इसमें से निकालने के बाद डिवाटरिंग करेंगे, उसके बाद सॉइल लेवल होगा, जो हम लोग का एक्सकवेशन डेप्थ लेवल है उसको लेवल किया जाएगा, उसके बाद PCC हम लोग करेंगे। PCC के बाद हर एक प्रोसेस हम लोगों को, आप लोगों को हम दिखाते रहेंगे, बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, स्टेप वाइज हम सारा सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।